वो क्या है, एक मंदिर है। भैया कह रहे थे उधर से, अरे ज्ञान भक्ति बैराग तुझे दिखलाऊंगा, ज्ञान भक्ति बैराग तुझे दिखलाऊंगा। और इस वृंदावन में आकर के भाव भक्त से दर्शन तुझे कराऊंगा, अरे भाव भक्त से दर्शन तुझे कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वो क्या है वृंदावन है, वो क्या है वृंदावन है, वृंदावन में वृंदावन है। दोनों नैन एक ही है। वो क्या है वृंदावन है, वृंदावन स्थल। दूसरी लाइन को आपने संबोधित किया कि तुलसी का वन वृंदावन, तुलसी के वन को ही वृंदावन कहते हैं। दोनों लाइनों का एक ही मतलब है, दोनों लाइनों का एक ही मतलब है। अब ध्यान दें जवाब। तुलसी आई सतयुग में, जो जालंधर की पत्नी थी वही तुलसी। तुलसी आई वृंदावन है, तुलसी आई वृंदावन है, वृंदावन ये मन भावन है। और एक विशेषता और है मेरे इस ब्रज को खास बनाने की, क्यों राजगुरु? सबसे ज्यादा नसीब वाला वो होता है जो भारत में जन्म लेता है। क्या बात है। उससे भी ज्यादा नसीब वाला वो होता है जो यूपी में जन्म लेता है, क्योंकि यूपी में ही मेरे राम पैदा हुए, यूपी में ही मेरे श्याम सुंदर ने जन्म लिया। उससे भी ज्यादा नसीब वाला वो होता है जो ब्रज के अंदर जन्म लेता है। और सबसे ज्यादा नसीब वाला वो होता है प्यारे, जो राधे राधे नाम का जाप। जय जय। तुलसी आई समझे, मेरी लाइन का मतलब समझे आप। तुलसी आई वो वृंदावन, वृंदा तुलसी बनकर के आई, पीछे से आगे लाइन है मेरी, उल्टी लाइन है, लाइन का भाव समझे। तुलसी आई ब्रज में वो वृंदावन है, वृंदा तुलसी बनकर के आई, मेरा कहने का मतलब ये है। वृंदावन ही मन भावन है। और रसिया सुनने वालों, मेरे ब्रज की मिट्टी चंदन है। क्या बात है। और चंदन क्यों है, यहाँ खेला यशोदा नंदन है, मेरे ब्रज की माटी चंदन है, यहाँ खेला यशोदा नंदन है। मुकेश भाई आप घर से लेकर के लाए, और प्रयास मेरी तरफ से होगा अगर मेरा जवाब आपके हृदय तक जाए तो आपका आशीर्वाद इतना मिलना चाहिए मुकेश भाई तुम्हारा से लगाए सामने। यहाँ खेला यशोदा नंदन है। गुरुदेव, साहित्य में कभी कभी उलट फेर किया जाता है, आगे की लाइन पीछे, पीछे का भाव आगे, आप जानते हैं इस बात को। वृंदावन में ही निधवन है, वृंदावन में ही निधवन है, जहां नाचे राधा मोहन है, यहां नाचे राधा मोहन है। मुकेश भाई अब आवाज सुन लेना, गदुमा ठाकुर साहब जय जय आइए खलीबा। इनकी छवि ये सबने
हरी है यह का राजा बाके बिहारी है। इनकी छवि ये सबने निहारी है यहाँ का राजा बाके बिहारी है। का पुरस्कार पंडित भवानी शंकर गुरुजी नगला हंसी वाले जवाब पर देते हैं और 21 रुपए का पुरस्कार गदुमा ठाकुर वृंदावन वाले देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद है। हाँ जी, अब छंद आगे बढ़ रहा है। अरे फीके रंगाभीर सुनो, गोपी ग्वालन की टोली है। अरे गोपी ग्वालन की टोली है। और राधा कह रही है उद्धव जी से, अरे बिन मोहन के ये ऊधो में तो अब कौन से खेलू। बिन ऊधो के कौन से खेलू। अरे दिल का किसे सुनाऊं हाल, ऐसे ही बीत गए कई साल। अरे दिल में आवे यही ख्याल, दिल में आवे यही ख्याल, अरे दिल में आवे यही ख्याल। क्यों रुक तो साहब, एक बिल्कुल नई चीज गाई इन्होंने, बिल्कुल अभी लोड करके लाए भाई रेलगाड़ी में, बहुत भारी भरकम गीत दिखा मार साहब बजाओ। आज हमारे दिल में जब सी उलझन है।